हम सभी स्वास्थ्य कर्मियों को, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, हमारे जितने भी पैरामेडिक्स और दूसरे सफाई स्वास्थ्य कर्मचारी और सभी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इंक्लूडिंग पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव के हमारे पूरे प्रशासन के अधिकारी और वो सब नागरिक जिन्होंने इस इतने बड़े अभियान में अपना योगदान दिया। एक ऐसे काले समय से गुजरा हमारे मानवता का ये सफ़र कि लगभग 2 वर्षों से आगे पीछे कभी कुछ, हमारे भी बहुत बड़ी संख्या में जो कोविड केसेज आए थे, लगभग जो फिगर और तो 31 हज़ार के बाद जो पॉजिटिव 31,02,704 बताते हैं जो पॉजिटिव रहे, और 4,192 की मृत्यु भी बताई गई है। वो इन सब के बावजूद जो कल की खबर आई है कि अब हमारे पास कोई भी एक्टिव केस 0 की मतलब गिनती दी है, तो मैं तो कहता हूँ देवी देवताओं का भी बहुत बहुत उनका आशीर्वाद जो मिला है, इनका भी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और सबसे बड़ी जो हमारे जिन्होंने इसके लिए काम किया, जो मैंने आपको बताया, उन सब की भी गिनती इस समय पे करनी चाहिए। उन्होंने बड़ी कर्मनिष्ठ होके और बड़ी मैं समझता हूँ अपना सब कुछ छोड़कर मानव कल्याण के लिए जो काम किया, उसके लिए उन सबका धन्यवाद करते हैं। और परमात्मा करे कि ये इतनी जो आफत लाने वाली बीमारी है, जिसने इतने लोगों को बेघर किया, और मैं तो आई रिमेम्बर कि एक घर में तो 6 आदमी कुल थे, उससे 4 चले गए, तो 2 कौन बचे, जो एक हार्डली 22-23 साल का पिताजी और छोटा सा बच्चा उसका, तो बड़ा दुख होता है ऐसे केसेस देखकर, जबकि परिवार के परिवार बर्बाद हो गए। और देश अक्रॉस द नेशन तो आपने देखा होगा, हम कितनी बुरी तरह से नदियां तक भी सड़ गई लाशों से, बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं, पहले दौर में तो शायद फेस भी नहीं देख सकते थे जब बॉडी को रैप कर दिया जाता था और ले जाते थे। तो एक प्रकार से ये कुछ अजीब सा तांडव नृत्य दिया था जो मृत्यु का हमारे लोगों के बीच में देखने को मिला। और मेरे ख्याल में टेस्टिंग तो कुछ समय तक जारी रखनी चाहिए हमें, टेस्टिंग इसका कोई भरोसा नहीं लगता कि किस प्रकार से आ जाए, बिकॉज जो हम उतार चढ़ाव के केस देखते हैं, जैसे खासकर मुझे याद आता है वो उन गरीब मजदूरों को जिनको अपने घर जाना पड़ा और बहुत ही बुरी हालत में वो लोग गए थे, बल्कि उन्होंने कहा भी था कि भाई भूखे पेट नंगे पांव कैसे पहुंचे अपने गांव। तो एक प्रकार से उन लोगों को तो मैं सच कहता हूं प्रणाम करता हूं कि उनके धैर्य को और उनकी आंतरिक शक्ति को, कि जिन्होंने इतना विकराल समय देखा। हमारी माताओं बहनों को तो जो है प्रजनन रोड के किनारे ही न जाने और भी कितनी प्रकार की हमारी बुरे हालात से मानवता को गुजरना पड़ा, तो वो एक राहत तो है ही, जैसे आपने कहा ठीक है, राहत तो बहुत बड़ी राहत है। और प्रार्थना करते हैं कि कभी हटके ऐसे समय ना आए, परंतु टेस्टिंग जारी रखनी होगी, किसी भी प्रकार की कोई भी हम ऐसी अचानक घटना ना घटे, उसको मद्देनज़र रखते अगर हम अपनी टेस्टिंग जारी रखेंगे तो दिस इज बीन द फिटनेस ऑफ थिंग एंड आई फील। जिस यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया है 2023-24 के लिए, अगर हम हेल्थ सेक्टर में देखेंगे हिमाचल प्रदेश, व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग? जैसे हमने देखा शी हैज टॉक्ड अबाउट मेडिकल रिसर्च, फार्मा इनोवेशन, नर्सिंग कॉलेजेस बनाए जाने की बात की है, सो व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग कॉलेजेस इंस्टीट्यूट लाइक एम्स? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और मैं तो रिसेंटली अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री मांडविया जी, उनको मिला और काफ़ी डिटेल डिस्कशन मैंने इस बारे में किया कि हमारा प्रदेश जो है वो पर्वतीय राज्य है, यहाँ पे सुदूर और दूर के ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे शायद अधोसंरचना का पूरा जाल नहीं बिछ पाया है, और बहुत से लोग अभी तक भी
इस प्रकार से वंचित रह जाते हैं कि उनके पास शायद पहुंचने तक का समय नहीं होता कि किस प्रकार से एक इमरजेंसी केस को हम पहुँचाएँ। तो मेरी ये प्रार्थना उनसे रही कि जब हम बजट बांटें तो ज़रूर ध्यान रखें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमारी जो हमारा अधोसंरचना का जाल है थोड़ा ऐसे बिछे। मैंने ये भी कहा था कि अगर हमें कुछ इनिशियली ऐसी छोटी गाड़ियाँ मिल जाएं जिसे हम मोबाइल वैन के रूप में इस्तेमाल कर सकें, जो ऐसे टारगेटेड एरियाज़ को जाएं और उन लोगों को जिनके पास सुविधा नहीं पहुंच सकती उन तक पहुंचे। एक हमारी थोड़ी फ्यूचरिस्टिक भी है, वो ये थी कि हम इस प्रकार के एरियाज पैदा करें जहां एयर एम्बुलेंस ऑपरेट कर सके। ये फ्यूचरिस्टिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि अभी कि जैसे हम इस कोविड के काल से बाहर निकल रहे हैं, इतना लिबरल अनुदान प्राप्त करना कई बार संभव ही नहीं होता। हाउएवर आई हैड रिक्वेस्टेड कि WHO और जो हमारी वर्ल्ड की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दूसरी एजेंसीज हैं, चाहे वो IMF हो चाहे हमारा वर्ल्ड बैंक हो, हमें ज़्यादा ध्यान अपने स्वास्थ्य के की ओर देना होगा। स्वास्थ्य के विभाग को थोड़ी एलोकेशन थोड़ी ज़्यादा करनी होगी क्योंकि हमें सचमुच में मैंने कहा कि हमारे पास 3 कॉलेजेस तो ऐसे हैं जैसे चंबा, हमीरपुर और नाहन, जो आधे में ही लटके हैं, जो पूरे होने चाहिए। और कॉलेज भी बनने की मांग है हमारी, जो आप उनके पास आएगी और हम भेजेंगे, परंतु जो बनने शुरू हैं वो तो हमें पूरे करने ही होंगे। क्यों? कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर तैयार हों, क्योंकि हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, हमारे पास पैरामेडिक्स की भी कमी है, हमारे पास नर्सिंग स्टाफ और दूसरे जो कर्मी हैं स्वास्थ्य कर्मी खास उनकी भी कमी है। So इसलिए मेडिकल रिसर्च, फार्मा इनोवेशन, स्पेशली जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज की बात की है मेडिकल डिवाइसेस, तो हाउ डू यू सी दिस? मैं समझता हूँ अनिवार्य है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स की जो बात की है वो अनिवार्य है, बिकॉज आजकल सबसे पहले तो यही नहीं पता लगता कि किस प्रकार से पैथोलॉजिकली हम ये निश्चय पर करें कि है क्या प्रॉब्लम। इसलिए हमें डॉक्टर्स को और अपने पैरामेडिक स्टाफ को और अपने टेक्निकल स्टाफ को इस प्रकार से इक्विप करना होगा कि उनका जो ज्ञान है वो आधुनिक हो और हर प्रकार की जो टेस्टिंग सुविधाएँ हमारी, क्योंकि आजकल बहुत ही मैं समझता हूँ आधुनिक वे में चीज़ें आ रही हैं, और उन आधुनिक का तभी हम फायदा उठाएंगे जब हम मैन पावर को ट्रेन करेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी एरियाज में ट्रेनिंग देने के इंस्टीट्यूट और उस सुविधाओं की ओर ध्यान देंगे ताकि हम पीछे ना रह जाएं। इसलिए ये वेलकम स्टेप है जो हमारी केंद्र सरकार अगर इस प्रकार की मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग की सुविधा देती है। हम लोग तो सच में आपको बताएं कि भाई जैसे हमारी जो MRI की मशीनें हैं, मैं अभी तो मैंने इसके बाद जाना है इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, हमारे पास जो हमारी MRI की है या लैब टेस्टिंग जिसे हम कह सकते हैं, जो न्यू सेटअप हो हमारा, क्योंकि हर 3 साल या 4 साल बाद इन चीज़ों को सुधरना होता है, तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी नई आ जाती है या कोई ना कोई इसी प्रकार से नई प्रकार की मशीनरी का इस्तेमाल करना होता है। इसलिए जितनी हमारे MRI की या जो अल्ट्रासाउंड की एक्सरे फैसिलिटीज़ हैं वो आधुनिक हों और लेटेस्ट हों, और दूसरी बात जैसे आपने कहा ट्रेनिंग की सुविधाएं हमारे पास ऐसी हों जिसमें हम मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल जैसे हम सोलन में बना रहे हैं उनमें ट्रेनिंग देने की तरफ हम जो हमारे कॉलेजेस बन रहे हैं उनमें आधुनिक सुविधाएं प्रदान हों।